नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। बिजनेस के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नमस्ते बिजनेस एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स को बुलाकर अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। इन डिस्कशंस में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए कई प्रकार की जानकारी और सुझाव होती है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है जीएसटी, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से एक बहुत ही खास मेहमान। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो विशाल सर, नमस्ते बिजनेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जीएसटी है, इसीलिए आपका डीप एक्सपर्टीज जो है जीएसटी के डोमेन में, इसीलिए हम लोग काफी शुक्रिया करना चाहेंगे आपका कि आपने टाइम निकाला और हमसे जुड़े। तो जरा दर्शकों को बता दीजिए आपके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस तक बढ़ते हैं। नमस्ते राहुल भाई, नमस्ते दर्शकों। मेरा नाम विशाल सेठ है, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जीएसटी है। शुक्रिया सर। तो जीएसटी के एकदम मोस्ट फंडामेंटल बेसिक चीजों से शुरू करते हैं कि जीएसटी क्या है, इसका मतलब क्या है, जीएसटी के पहले क्या हुआ करता था, और क्या जीएसटी जैसा कुछ सिमिलर किसी और कंट्रीज में अवेलेबल है। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आज इसकी तीसरी सालगिरह है। सो ये टॉपिक अच्छा लगा डिस्कस करने का, और आज सीए डे भी है। तो इंडिया में जैसे 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अलग अलग किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरर को लगता था, सर्विस टैक्स जो एक सर्विस प्रोवाइडर को लगता था, और एक वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट बोलते थे, वो एक ट्रेडिंग गुड्स पे लगा करता था। तो ये जो ब्रॉड कैटेगरी के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसको सारा एक साथ मिक्स करके गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये टैक्स एक सप्लायर जो गुड्स बेचता है उसको भी भरना पड़ेगा, और एक सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनको भी ये जीएसटी भरना पड़ेगा। इंडिया के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि फ्रांस सबसे पहला देश था जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद काफी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे कंट्रीज ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था। डेवलपिंग कंट्रीज ब्राजील है, साउथ कोरिया है, उनमें भी जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था। सब देशों के मॉडल्स अलग अलग हुआ करते हैं कि कौन से बेसिस पे जीएसटी होगा, एक सिंगल लेवी होगा या ड्यूल लेवी होगा। तो इंडिया ने एक ड्यूल कंसेप्ट अपनाया है जीएसटी का। अपने डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूल कंसेप्ट क्या होता है। तो कनाडा और ब्राजील में भी ये ड्यूल मॉडल कंसेप्ट है जीएसटी का, तो इंडिया में वही कंसेप्ट अपनाया है। ड्यूल मॉडल जैसे कि अपने स्टेट, अपने कंट्री में एक सेंट्रल लेवी लगता है, एक स्टेट लेवी लगता है जो सी और एस बोलते हैं। ओके, तो सी और एस जिसको सेंट्रल जीएसटी लगता है और एक स्टेट जीएसटी लगता है, और एक जो यूनियन होता है उसको एस के बदले यू जीएसटी लगता है। सो बेसिकली ये अगर मैं आपकी बात समझूं तो इसके पहले, जीएसटी आने के पहले इंडिया में कई तरह के टैक्सेस थे, उन सबको कंसोलिडेट करके एक ही फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया है ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो और बिजनेस करना आसान हो। इसके कंपोनेंट्स में आपने बताया सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी भी होता है जिसको आईजीएसटी बोलते हैं, और एक आपने बताया यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी भी होता है। तो थोड़ा सा इन बाइफर्केशंस के बारे में बताइए कि क्या होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कब लगता है, और एक जो व्यापारी है उसको क्या पता होना चाहिए ताकि वो जीएसटी के बारे में सही तरीके से मैपिंग कर सके। तो हालांकि मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक जो ट्रेडर है जो गुड्स में ट्रेड करता है और
उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस और जो कि उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो महाराष्ट्र में हुआ, उन्होंने अगर मुंबई, महाराष्ट्र में भी अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुंबई सिटी में वो रजिस्टर्ड है, मुंबई सिटी से महाराष्ट्र की एक जो सिटी है जिसका नाम पुणे है, अगर वो गुड्स उधर मूव करते हैं, बायर इज इन, बायर जो है वो पुणे में है, जो सेलर है वो महाराष्ट्र में है, अगर वो हम प्रोडक्ट महाराष्ट्र विद इन द स्टेट, विद इन जो स्टेट के बाउंड्री के, स्टेट के बाहर नहीं जाता है, तो एक ट्रेडर को सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। सीजीएसटी जो है वो सेंटर को जाएगा, एसजीएसटी जो है स्टेट को जाएगा। तो एग्जाम्पल में अगर मैं एक प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 रुपीज और गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी रेट लगाया है। तो 18% को स्प्लिट करेंगे डिवाइड बाई 2 करके, डिवाइड बाई 2 ही होता है, तो 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होता है। वही अगर सेलर मुंबई से माल अगर दिल्ली बेचता है तो उसको सी और एस नहीं चार्ज करना है, उसको आईजीएसटी चार्ज करना है। तो जैसे कि हमारे जीएसटी के पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो 2% होता था और 12.5 होता था, अगर फॉर्म नहीं होता है तो फुल रेट लगता था। हालांकि अंडर जीएसटी फॉर्म के कंसेशनल फॉर्म्स जो होते हैं, जो सी फॉर्म जिसको कहते हैं, उसका कंसेप्ट निकल गया है। तो अच्छा। जैसे मुंबई का सेलर जो दिल्ली में बेचता है तो 18% आईजीएसटी पे कर देगा। सो बेसिकली जीएसटी कितना लगाना है और कौन सा लगाना है ये डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर मैं मुंबई से बैठे बैठे दिल्ली में सामान सेल करना चाहूं तो सिंस मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे स्टेट के बाहर जा रहा है इसलिए आईजीएसटी लगेगा। अगर मुंबई से पुणे भेज रहा हूं तो सिंस वो मेरे स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये है कि इट शुड, ये जो टैक्स है वो कंजम्पशन कहाँ होता है उस पर लागू होता है, इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो आपका माल अगर दिल्ली जाता है, महाराष्ट्र से बाहर जाता है तो आपको आईजीएसटी लगाना है। वही कंसेप्ट एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए, अगर मैं एक सीए सर्विसेज या आर्किटेक्चर सर्विस या कोई भी तरह की सर्विस अगर कोई एक पर्सन को बाहर स्टेट में दूं तो मुझे आईजीएसटी लगाना है, अगर वो सेम स्टेट में है तो मैं सी और एस लगाऊंगा। तो सर्विस प्रोवाइडर हो या सेलर ऑफ गुड्स हो, उनके लिए कंसेप्ट सेम है, इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। सिंस आपने अभी मेंशन किया तो मैं एक सेकंड में आपसे ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एक ही क्लस्टर हुआ, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है गुड्स में अलग तरीके से और सर्विसेज में अलग तरीके से। तो क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि एचएसएन और एसएससी में डिफरेंस क्या है और क्यों लगता है वो? करेक्ट, तो जनरली मैं अपने दर्शकों को पहले ये बताना चाहूंगा कि गुड्स के लिए अलग अलग रेट डिसाइड किए हैं। तो रेट है 5, 12%, 5%, 18%, 28%। तो डिपेंडिंग वो कौन सी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा एक रेट चार्ट दिया है और उसके सामने सर्विसेज का स्टैंडर्ड एक रेट है 18%। मेजर केस में सर्विसेज में 18% जाता है, हालांकि बिल्डर्स को सबको कम रेट लगता है, पर हम उस पे नहीं जाते, हम ओवरऑल जो ब्रॉड कैटेगरी जो है वो सर्विसेज में फिक्स्ड है 18%, बाकी गुड्स के लिए 5, 12, 18, 28 जाता है। अभी रेट कैसे मैं डिसाइड करूंगा, तो रेट उन्होंने कैसे डिसाइड किया, एक एचएसएन एक नोमेनक्लेचर दिया है। एचएसएन इज नथिंग बट हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। तो जैसे हमने कोरोना वायरस में बहुत ये WHO के बारे में सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, वैसे ही एक वर्ल्ड में एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। इंडिया उसका एक हिस्सा है। तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग प्रोडक्ट का HSN फिक्स्ड किया है। तो आप इंडिया में वो जो पर्टिकुलर HSN होता है आप वो बाहर की कंट्री में भी यूज करोगे, जो वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो वो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये प्रोडक्ट अगर आपने कोड दिया तो ये उसका मतलब ये प्रोडक्ट होता है। तो गुड्स के लिए हमको HSN देखना पड़ता है। HSN जनरली 8 डिजिट का होता है, फर्स्ट 2 डिजिट उनके चैप्टर होते हैं, दूसरे 2 उसके हेडिंग और उसके अंदर सब हेडिंग होता है। और सर्विसेज के लिए HSN नहीं यूज होता है, सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड यूज होता है। और ये सारा गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे दिया है, आप प्रोडक्ट का नाम लिखोगे तो आपको HSN और सर्विस लिखोगे तो आपका SSC कोड आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो लोग इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनको आपस में ट्रेड करने में भी सुविधा होती होगी, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ये हर प्रोडक्ट और सर्विस का। करेक्ट करेक्ट, इससे फायदा मैं
मेंबर्स को भी काफी है, अगर कोई पॉलिसी जो होती है जिसको बेनिफिशियल होती है तो उनको अक्रॉस द वर्ल्ड वो बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है रजिस्ट्रेशन करने के, और इंडिया में क्या नियम है जिसके वजह से कंपलसरी हो बिजनेस को जीएसटी लेना, या फिर ऐसा क्या नियम है जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए बिना भी काम चल जाएगा? ओके, तो पहले मैं आपका सवाल आंसर करना चाहूंगा कि कब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एक सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंडिया ने ड्यूल कंसेप्ट लगाया है बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर किसी एक ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। तो लॉ बहुत क्लियर है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख के ऊपर हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको टैक्स कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को देना है। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे बिजनेसमैन का एक क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा मल्टीपल स्टेट्स में मेरा बिजनेस है, जैसे महाराष्ट्र में मेरा टर्नओवर 10 लाख है, राजस्थान में मेरा टर्नओवर 12 लाख रुपया है, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या राजस्थान स्टैंड अलोन पे या दोनों या कोई नहीं, क्योंकि मेरा दोनों स्टेट में अलग अलग 20 लाख से नीचे है, एक क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट ने इस डाउट को भी क्लियर किया है कि आपके जो पैन नंबर जो होगा जिस पे आपको जीएसटी नंबर मिलता है, पैन बेस्ड नंबर होता है, आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया उसके सारे टर्नओवर आपको क्लब करने, तो महाराष्ट्र का 10 लाख हो गया, राजस्थान का 12 लाख हो गया, तो आपका 22 लाख हो जाता है। तो आपको महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन देना कंपलसरी है और राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन देना कंपलसरी है, सेम एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए। अच्छा, और जो लोग इसमें एक्सपोर्ट करते हैं उनके एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर होगा वो भी एग्रीगेट में काउंट होगा? करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्वाइट वैलिड और गुड क्वेश्चन राहुल भाई, इसमें क्या है कि एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर में उन्होंने क्या लिखा है एक्ट में कि आपके टर्नओवर जो टैक्सेबल वैल्यू का टर्नओवर है वो ऐड करना है, जो एग्जेम्प्ट है वो भी ऐड करना है, जो आप एक्सपोर्ट करोगे जिसपे आप टैक्स नहीं भरते हो, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता है, हालांकि उसके कंडीशंस अलग है और हम कभी अलग से उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट का टर्नओवर, वो सारा क्लब करके मैं देखूंगा कि मेरा 20 लाख के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसमें एक चीज और हमें समझने में जरा सहायता कीजिए कि आपने बोला कि अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया और मेरा 10 लाख महाराष्ट्र में है, 12 लाख राजस्थान में, तो मेरे को दोनों जगह जीएसटी लेना पड़ेगा, इसका क्या मतलब हुआ? और इसके साथ साथ एक फॉलो अप क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जिसका दो चार स्टेट्स में गोडाउन है, तो क्या मेरे को उन गोडाउन के लिए सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या मेरी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी की एक ही जीएसटी नंबर होगी? मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ता हूँ। अगर गोडाउन है, अगर हमारे स्टेट वाइज गोडाउन है, मुंबई में एक गोडाउन, गुजरात में एक गोडाउन, राजस्थान में एक गोडाउन, अगर तीनों गोडाउन से आप अगर माल बेचते हो, आपका सप्लाई हो रहा है, तो तीनों गोडाउन या तीनों स्टेट का टर्नओवर आपको क्लब करना पड़ेगा, और अगर तीनों स्टेट का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर रहा तो आपको तीनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, समझा। तो काफी बार कैसा होता है कि जनता ये चीज भूल जाती है कि मेरी जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, जो हो सकता है प्रोप्राइटरशिप हो या LLP हो, तो क्या ये किसी तरह के इनकॉर्पोरेशन टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है, या अगर टर्नओवर क्रॉस हो रहा है और नो मैटर किसी भी तरह का आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेटस हो तो भी आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा? सी, इंडिया में हर एक स्टेट को अलग कंट्री मान लो और हर एक बिजनेस एंटिटी मान लो, तो आपके लिए ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे कहाँ रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आपको महाराष्ट्र क्लब करने के लिए आपको एंटायर पेन बेस्ड का टर्नओवर लेना पड़ेगा, बट हर स्टेट अलग अलग है, उस हिसाब को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल अगेन वापस छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा कि महाराष्ट्र में मेरा टर्नओवर 25 लाख है, गुजरात में 5 लाख और राजस्थान में 5 लाख है, तो एग्रीगेट आपका हो गया 35 लाख।
तो मैं क्या खाली महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लूंगा? तो आंसर इज नो, आपको महाराष्ट्र के साथ गुजरात और राजस्थान भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर स्टेट से जो आप माल बेचते हो वो पर्टिकुलर स्टेट को रेवेन्यू भी देना पड़ेगा और आपको रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ेंगे। समझा समझा। तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए जो कि छोटा या मीडियम स्टेट का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए जरा जीएसटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे और फाइलिंग के कितने तरह के फाइलिंग लगती है जीएसटी में, किस फ्रीक्वेंसी में लगती है, जरा इसका डिटेल बता दीजिए। सी, जैसे बताया कि पहले जीएसटी के पहले मल्टीपल लेवी हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी, वैट ड्यूटी। तो जीएसटी में काफी सिंप्लीफाई करके उन्होंने एक रखा कि आपको एक टैक्स भरना है। ओके, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हालांकि काफी लोग टैली यूज करते हैं, ओके, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा या मेरा ये बोलना है कि आपका अकाउंट्स बहुत सही होना चाहिए। उसमें आप अलग अलग रेट का एक हेडिंग बना दीजिए, लेजर बना दीजिए, वैसे ही आपको इनपुट मिलता है। आप अगर टैक्स भरते हो तो आपने आगे भी किसी को टैक्स दिया होगा जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि जीएसटी का कंसेप्ट ही वो है कि एवरी वैल्यू एडिशन पे आपको टैक्स देना है। तो इनपुट साइज एज वेल एज आउटपुट साइड आपके लेजर अलग अलग रेट वाइज होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपनी अगर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है तो उसमें एमजीएसटी अलग, महाराष्ट्र का अलग से कोडिंग होना चाहिए, गुजरात का अलग। उससे क्या होगा, आपका रिकंसिलेशन अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल। और यही बात आपकी टैक्स पेमेंट की और रिटर्न फाइलिंग की, जो नॉर्मल जो रिटर्न जिसको हम 3B बोलते हैं, वो उससे हम टैक्स पे करते हैं, वो महीना खत्म होने के बाद 20 तारीख के पहले पहले आपको करना है। तो हालांकि जैसे हम आज हर महीने टैक्स आपको भरना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जून खत्म हो गया तो जून का मैं टैक्स भरूंगा 20 जुलाई के पहले, और 20 जुलाई के पहले मुझे रिटर्न भी फाइल करना है। इसमें मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि आप खाली टैक्स भर के ओके और रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो क्या गवर्नमेंट आपको माफ करेगी? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये एक पासबुक की तरह है, आपने टैक्स तो जमा कर दिया बट गवर्नमेंट तक टैक्स कब जाएगा? जब आपने रिटर्न फाइल किया है। तो काफी दर्शकों को और काफी बिजनेसमैन में गलत फहमी होती है कि मैंने तो टैक्स भर दिया है गवर्नमेंट को, अगर रिटर्न नहीं भरूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, बाद में भर दूंगा नीट फी के साथ। गवर्नमेंट उस पर आप पे ब्याज भी लगाएगी, जो इंटरेस्ट रेट जो है 18% वो बहुत ही हाई है। ओके, तो आपको टैक्स भी भरना है और आपको रिटर्न भी फाइल होना है, और ये रेगुलर एक्टिविटी है। ये रेगुलर एक्टिविटी है। और उसके बाद आपको एक GSTR 1 होता है जो सेल्स की डिटेल्स आती है। जीएसटी में अलग अलग तरह के रिटर्न है, तो मैं ब्रॉडली जो मेजर दो कैटेगरी के रिटर्न अभी कवर करना चाहूंगा, एक GSTR 1 और 3B। GSTR 1 इज वो रिटर्न आपके जो सेल्स होता है उसकी डिटेल्स जाती है। उसमें अगर उसमें अलग अलग कैटेगरी है, B2B सेल्स, B2CS सेल्स। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब अगर जो सेलर भी जीएसटी रजिस्टर्ड हो और बायर भी जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो दोनों का जीएसटी नंबर उसमें जाता है, सेलर बायर का जीएसटी नंबर उसमें जाता है, जिससे गवर्नमेंट ये समझ पाए कि इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, C लगेगा, +S लगेगा या I लगेगा। तो GSTR 1 जो होता है वो महीना खत्म होने के बाद 10 तारीख के पहले भरना होता है। उसमें खाली हमको डिटेल्स डालनी है, उसमें आपको टैक्स नहीं भरना है, और टैक्स जो आपको भरना है वो 3B क्यों भरना है, वो 20 तारीख के पहले पहले आपको भरना है। समझा समझा। तो इसमें विशाल सर एक चीज और हमें बताइए कि इसका मतलब ब्रॉडली ये हुआ कि जो महीना बीत गया उसके अगले महीने 10 तारीख के पहले एक फाइलिंग और 20 तारीख के पहले एक फाइलिंग, ये दो चीजें कम से कम हर एक बिजनेसमैन को समझ में आनी चाहिए और इसका नोट करके रखना चाहिए। एक चीज हमें ये बताइए कि जीएसटी के जो पोर्टल है, सरकार की अपनी जीएसटी पोर्टल है, उस पोर्टल पे सारे इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ते हैं या बस डिटेल डालने से काम चल जाता है? जब लाया गया था, कंसेप्ट लाया गया था, तो उन्होंने ये भी सोचा था कि इनवॉइस हम अपलोड कर दे ताकि वो सिस्टम ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल कर दे, वो भी एक थॉट प्रोसेस था गवर्नमेंट का। हालांकि वो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपको जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट की साइट पे जाना है और खाली इनवॉइस डिटेल्स डालनी है, आपके सेलर की इनवॉइस डिटेल डालनी है और क्या रेट है वो डालना है, या एक्सपोर्ट है या लोकल है या इंटरस्टेट है, वो आपको डिटेल्स डालनी है। इनवॉइस अपलोड नहीं करना है आपको,
ठीक है समझ गया। तो आई थिंक जीएसटी के बारे में हमने काफी तरह की ब्रॉड पॉइंटर्स को टच किया, एक ओवरव्यू हमें मिला जीएसटी के बारे में। उसके लिए इस सारे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया करना चाहूंगा विशाल सर। और जाते 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 एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फील्ड में इतने टाइम से हैं, इतना सारा आपको एक्सपीरियंस है इन चीजों का, और आप इतने सारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल के बिजनेसेस, इनफैक्ट लार्ज स्केल बिजनेसेस के साथ भी आपने डील किया है, तो जो हमारे दर्शक हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए क्या छोटी सी टिप हो और क्या छोटी सी मोटिवेशन हो जो आपके साइड से आप उनको देना चाहेंगे? इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन के सामने मुझे एक गाना याद आ गया कि मेहनत के सामने सब तकदीरें बेकार होगी, जिसकी जिनकी जीत जो ना माने हार। तो हमने बिजनेसमैन को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप कंप्लाई करते रहिए, इससे देश का भी भला होगा और आपका बिजनेस भी प्रॉस्पर होगा। बिकॉज जीएसटी जो एक कंसेप्ट है, गवर्नमेंट का यही एक नजरिया है कि जो रेगुलर कंप्लायंस करता है उसको हम एक स्टार रेटिंग दें। उससे क्या होगा कि उनको ऑर्डर्स भी जल्दी से मिलेंगे और उनका जो स्टार रेटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट अपने पोर्टल में डाल देगी। और एक और चीज बताना चाहूंगा राहुल भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जीएसटी नहीं फाइल करते हैं ना, तो आप उनके नंबर से आप ये देख सकते हो कि जीएसटी उन्होंने फाइल किया है कि नहीं किया है। तो हम अपने क्लाइंट को हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि आप सरकार के गलत बुक्स में मत आ जाइए, आप कंप्लाई करिए, देश का भी भला होगा और आपका बिजनेस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मूथ हो जाएगा। आप टैक्स का बर्डन लोगे तो आप बिजनेस में वो माइंड नहीं लगा पाओगे। आप टैक्स का बर्डन एक तरफ आप कंप्लाई करिए तो आप बर्डन फ्री हो जाओगे, फिर आपका पूरा ध्यान आपका बिजनेस में रहेगा। ठीक है, इस ज्ञानवर्धक बात के लिए भी शुक्रिया करूंगा। और विशाल सर, आप हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने बिजी टाइम शेड्यूल में से हमें हमारे लिए थोड़ा समय निकाला और हमारे दर्शकों को अपने साइड से ये मैसेज भी दिया और जानकारी भी दी जीएसटी की, इसके लिए उनके ओर से भी धन्यवाद। और आशा है कि हम लोग बहुत जल्द एक नए टॉपिक पे दोबारा जुड़ेंगे और दोबारा इस तरह का एक बार और डिस्कशन होगा जब किसी और टॉपिक पे हम लोग डिटेल में टच कर पाएंगे। डेफिनेटली। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.